ट्रॉल गाइड का। तो सुबह जब से अभी उठे ही है, टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं, और जैसे हमने खिड़की खोली तो हमें ये सब दिखा। यहाँ कल पूरी रात स्नोफॉल हुआ गाइस, और ये पूरा भर चुका है। तो गाइस हो चुके हैं हम रेडी, अभी 9:30 हो चुके हैं, अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, और ये सब भी रेडी हो चुके हैं, ये देखो सब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और मैं आपको यहाँ पे बर्फ दिखाता हूँ कि पूरी रात यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। तो देखो बालकनी, ये बालकनी है हमारी, यहाँ पे बॉन फायर की जगह थी इस जगह पे, पर ये वो भी ढक गई। ये देखो तो चलते हैं अभी नीचे ब्रेकफास्ट करने, और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, फिर आपको बताते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या था। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मलानी 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 मलानी, यस मनाली मनाली मनाली, कश्मीर से लेके ऊटी फेमस वहां की रोटी। सो गाइस ब्रेकफास्ट मिल चुका है, यहाँ पे मिला हमको छोले की सब्जी, चाय और पूरी, और सैंडविचेस वगैरह भी है, वो मैंने ले नहीं, पोहा भी है। तो अब ये करते हैं सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो खाते हैं जल्दी से और देखते हैं आगे का क्या प्लान है। गाइस अभी हम आए हैं अपना ब्रेकफास्ट करके, और अभी बाहर जाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल बहुत हो चुकी है देखो। सो बैठे हैं अभी बर्फ़ के ऊपर ही और मज़ा आ रहा है, सब यहीं पर। ये देखो एक भाई और मिले हम यहाँ से, वो भी हरियाणा से ही है। तो भाई देखो अब क्या प्लानिंग होती है आगे, आवाज़ पूरी बैठ चुकी है मेरी, आईज ब्लू लग रही है, बट मैंने ग्रे लेंस लगाया है, कॉन्टेक्ट लेंस है, तो पता नहीं क्या दिक्कत है, पर एक ग्रे नहीं लग रही, ब्लू लग रही है। सो गाइस अभी हम आए थोड़ा बाहर घूमने, अभी एक जगह पे जा रहे हैं हम कुछ देखने नीचे की साइड। ये देखो यहाँ पे नीचे लोकल लोग रहते हैं थोड़े, तो वहीं जा रहे हैं, क्या पता कुछ नीचे अच्छा दिख जाए। हम ओरिजिनल है, लोकल नहीं है। तो गाइस अभी हम थोड़ा बाहर आए थे घूमने, अभी हमने लंच किया है, और लंच में हमने पराठे खाए आलू का, और हमको आज जाना था मॉल रोड हडिम्बा टेंपल, बट हमारे जो यहाँ पे कल रात को बहुत स्नोफॉल हुई है, तो दैट्स वाई सारे रोड बंद हो चुके थे, और सारे रोड बंद होने के चक्कर में आज कोई गाड़ी नहीं चल रही, चल रही है बट 4x4 ही चल रही है यहाँ पे सिर्फ, तो उस चक्कर में आज हम जा नहीं पाए। कल हम जाएंगे शायद सोलॉन्ग वैली जाएंगे कल, और मौसम चेक करें आप, हाथ भी कांप रहे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपना मॉल रोड की तरफ पास करके, देखो सब हम ऑटो बैठे हैं अभी, क्योंकि हमारी कैब नहीं आ पाई यहाँ पे किसी रीज़न से, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऑटो ही कराया, उसके लिए हम जा रहे हैं अभी मॉल रोड, मॉल रोड घूमते हैं थोड़ा सा, और बाहर का व्यू देखो आप। तो चलते हैं मॉल रोड, दिखाते हैं वहाँ पे अभी कैसी क्या कंडीशन है, लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी माल रोड पे, और ये देखो ये पूरा माल रोड, बहुत भीड़ है अभी यहाँ पे, और हमको दिखी एक यहाँ इसके ऊपर बैठने के चार्जेस देंगे 400 रुपये की फोटोज़ और ड्रेस, 400 रुपये में फ़ोटोज़ और ड्रेस भी देते हैं। सॉरी मैं ऐसी आवाज़ें बात कर रहा हूँ, बट जस्ट फॉर फन। ओम बाम, चलते हैं अभी देखते हैं घर वालों के लिए कुछ लेना है या नहीं लेना है, या अपने लिए कुछ लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक मंदिर दिखाता हूँ बहुत सुंदर, ये रही मंदिर, ये बहुत प्यारा लग रहा है मंदिर।
तो गाइज अभी यहाँ पे हम एक शॉप पे आए हैं ये वाले फ्लैग पूछने के लिए। तो गाइज ये बाइक के लिए जो है ये 50 रुपीज़ का, कार के लिए 100 का, और क्या कहते हैं वाला है ये 350 का, और वो जो सारी की चेन्स है वो 50-50, 100-100 की है। तो ये शॉप है, यहाँ पे सारी मूर्ति वगैरह, ग्लव्स और कान पे लगाने वाले हेडफोन स्टिकर्स वगैरह सब है यहाँ पे। यहाँ से हमने भी एक 50 रुपीज़ वाला फ्लैग लिया देखो, और अभी देखते हैं कुछ और भी लेते। तो मैं तो अभी अपनी एक बाइक है मेरे पास एवेंजर पापा की, उसके लिए लिया भाई, कुछ और भी देखते हैं। तो करने आया हमारा डिनर में भी आज हमें शाही पनीर, राजमा चावल और रोटी मिलिया। सो डिनर करते हैं, पहले बहुत भूख लग रही है अभी, फिर मिलते हैं आपसे। सबसे पहले बंदे अभी हैं जो डिनर कर रहे हैं। तो गाइस हम डिनर करके अभी ऊपर आ चुके थे, बाहर जाने का हमारा प्लान था थोड़ा घूमने का, बट मन नहीं करा क्योंकि पैर भी दुख रहे थे। तो हम अपने रूम में आ चुके हैं अभी, ये भाई भी और हम भी बैठे हैं अभी, बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। हमने भी दो दो ब्लैंकेट्स ओढ़ रखे हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है, अभी भी -3 या 4 डिग्री है तो ठंड है। बैठे हैं, थोड़ा सा टीवी देखेंगे क्योंकि यहाँ का टीवी भाई हमने जब से आया तब तक चला के नहीं देखा, और यहाँ का वाईफाई भी नहीं चल रहा सबसे बड़ी बात। तो मैं सोच रहा था कि मैं मनाली में ही रह के अपने व्लॉग्स अपलोड कर दूँ, बट यहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा, और जो हमारी जियो की सिम है, सबकी जियो की है, हम चारों जितने भी आए हैं, चल ही नहीं रहा नेट, क्या करें। अब इन्होंने बोला है कि हमारे वाईफाई की तार टूटी हुई है, तो वो अभी हमको सुबह तक बोल रहे हैं 10 बजे तक कि हम रिपेयर कर देंगे उसको। तो देखते हैं। वीडियो वगैरह तो मैं एडिट साथ ही कर रहा हूँ, जबकि अगर नेट मिला तो वो अपलोड भी कर दूँगा। और जाते हैं अब सोने, कल जाने का सोलांग वैली शायद जाने का कल प्लान है, क्योंकि आज हमारा कैब वाला भी हमसे मतलब बोला कि बर्फ़ ज़्यादा गिरी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे जाना मतलब कोई ऐसे मतलब व्हीकल चलेंगे नहीं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, और गाड़ियाँ स्किट हो रही थी, गाड़ियाँ फिसल रही थी। तो उसके लिए फिर हमने भी उनको कहा कि चलो ओके भैया, तो उन्होंने कल के लिए हमें बोला। अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम बता, एक मिनट, अभी टाइम हो रहे हैं 1:32 रात के, और हम नीचे बैठ के बात बात कर रहे थे इसलिए इतना टाइम हो गया। अब सो रहे हैं, कल सुबह भी जल्दी उठना है और हमें जाना है कल सोलांग वैली, और कैब वाले ने हमको कहा कि सुबह 10 बजे हमें तैयार मिलना, तो कल सुबह भी थोड़ा जल्दी उठना है। तो कल सुबह मिलते हैं आपसे, और अभी आज तो पूरा दिन स्नोफॉल नहीं हुई, तो शायद कल मौसम पूरा साफ रहेगा तो कल घूमने में भी हमें फ़ायदा रहेगा। सो मिलते हैं आपसे सुबह, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट।